लेकिन जो उसका कर्णिकार कहते उसका जो कर्णिकार ये गोकुल महावन ये इसकी कर्णिकार है जहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं अजन्मा होते हुए भी जहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं जन्म ग्रहण किया है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन बोले अजो अपि सर्ण अभय आत्मा भूतानापि ईश्वर अपि सन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। मैं अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता हूँ। बोले ठाकुर जी फिर क्यों जन्म लेते हैं? बोले अनुग्रहाय भक्तानाम, अपना भक्तों को ऊपर में कृपा करने के लिए। अगर कृष्ण यहाँ पर जन्म नहीं होते आज यहाँ पर इतना जो भक्त लोग आए हैं और दर्शन करने के लिए ठाकुर जी जो इतने सुंदर सुंदर यहीं पर उन्होंने कैसे मक्खन चोरी लीला की, कैसे अघासुर बकासुर को पुतना को त्रिणावर्त आदि को कैसे भगवान ने नाश किया। और जैसे अभी भजन गा रहे थे ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, कोई बोल नहीं रहे, एक आवाज सुनाई पड़ता है बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। फिर जो इतना जन्म उत्सव मनाते ही क्या संभव था? कृष्ण जन्म हुए तभी तो हम यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए ये भगवान की जन्म स्थान है। लेकिन एक आश्चर्य बात बोले क्या है, जो व्यक्ति भागवत अपनी आप पढ़ते हैं और जितने जगत में भागवत के कथाकार हैं, अगर किसको पूछो बताओ कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए थे, ये सबके सब एक ही बात कहेंगे, कृष्ण मथुरा में जन्म हुए। कहाँ पर जन्म हुए? मथुरा में। लेकिन जो व्यक्ति महाप्रभु की धारा में हैं, श्री प्रभुपाद की धारा में आए, बोले नहीं कृष्ण मथुरा में जन्म नहीं, कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए हैं। प्रकट मतलब जैसे कृष्ण चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, पूर्व जन्म की कथा सुनाए, कैसे तुम दोनों प्रिश्नी और सुतपा थे, कैसे पेड़ का पत्ते को सूखे पत्ते को खा खा करके तुम लोगों ने 10,000 साल तक तपस्या की। जब मैंने दर्शन दे करके बोले वर मांगो, क्या बोले? बोले आपका आप जैसे हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो। बोले मेरे जैसे तो कोई पुत्र है ही नहीं, मेरे जैसे तो मैं ही मेरा जैसे का बोले मैं हूँ, इसलिए क्योंकि मैं असमर्थ तत्व हूँ। बोले ठीक है, मैं तुम्हारी तपस्या में संतुष्ट हूँ, मैं ही तुम्हारी बच्चा बन करके आ जाऊँगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, दर्शन दे करके बोले मैं अभी छोटा बच्चा बन जाऊँगा और मेरे को गोकुल में छोड़ करके आ जाना, और गोकुल में छोड़ करके आना और वहाँ से एक बेटी को यहाँ पर ले आना। ये भागवत जो पढ़ते हैं अगर उनको पूछो तो क्या बोलेंगे, कृष्ण मथुरा में ही जन्म लिए। लेकिन कृष्ण मथुरा में जन्म हुए ही नहीं, कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए हैं, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। इसलिए गुरु जी कहते हैं आप लोगों ने बच्चे जन्म दिए कि नहीं, कौन कौन बच्चा जन्म दिया, हाथ उठाओ तो कौन कौन बच्चा जन्म दिया, सब 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 आप लोगों ने बच्चे जन्म दिए होंगे। देखना जब बच्चे को जन्म देती है माता, जब जन्म देती है माता बच्चे को, देखना उनको नाड़ छेदन होता है, होती कि नहीं, नाड़ छेदन होती है। इसलिए नाड़ी छेदन से पहले जो दान है
वो दान को सबसे श्रेष्ठ दान मानी जाती है। इसलिए जब मैया यशोदा ने कृष्ण को जन्म दिए, उनको जन्म देने के बाद नाड़ छेदन होने से पहले क्या हुआ, नाड़ी छेदन होने से पहले नंद बाबा ने संकल्प किया 20,000 गैया में दान दूंगा, 7 तिल का पर्वत में दान दूंगा। कहते ये कृष्णा नाड़ छेदन पहले ये दान को अक्षय दान मानी जाती है। इसलिए गुरुजी कहा करते थे कोई भी ब्रजवासी कभी भी नहीं बोलेंगे कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए, कभी नहीं बोलेंगे कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए हैं, गोकुल में। क्योंकि जितने ब्रजवासी जैसे माताएं विशेष करके वो नाड़ छेदन करती है, नाड़ काटती है ना, इसलिए नाड़ काटती है। कहते हमने स्वयं देखा मैया से कन्हैया जन्म हुए और हम स्वयं अपना हाथों से हमने नाड़ को अपने स्वयं हाथों से नाड़ को छेदन किया। ए कीर्तन वाले एक एक कीर्तन कीर्तन एक तो थेमे जाओ, कथा हो एक तो बंद कर दो, हरे कृष्णा एक तो बंद कर दी इन कीर्तन एक तो बंद कर दो कथा हो हरे कृष्णा। इसलिए गुरुजी कहते थे कोई भी ब्रजवासी कभी मानेगा नहीं कृष्ण कभी मथुरा में प्रकट हुए, सब के एक स्वर में बोलेंगे कृष्णा गोकुल में ही कृष्णा जन्म हुए हैं। बोलेंगे भैया इसका कोई प्रमाण क्या है, कहते कहीं प्रमाण क्या है कृष्ण गोकुल में जन्म हुए। तब हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, कहते श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहाँ तो कोई है नहीं जो मना कर सकते हैं। हाँ उधर तो बोले जा, एक तो बोले दाओ जो एक एक तो 5 मिनट जन बंद कर दो, जल्दी जाओ बोले 5 मिनट के लिए बंद कर दो। इसलिए श्री गुरुदेव श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से उन्होंने टीका में लिखे हैं, हैं कितने उन्होंने उदाहरण दिया है कृष्ण कैसे गोकुल में, कैसे कृष्ण गोकुल में जन्म हुए हैं, उनने कितने गुरुदेव ने उदाहरण देकर बताए। जैसे ब्रज की गोपियाँ जब गोपी गीत को गोपियाँ गाती हैं उसी समय क्या कहती हैं, बोले जयति तेधिकाम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत रहे। इसलिए कहते जयति तेधिकाम जन्मना ब्रज, बोले कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए, कृष्ण ब्रज में जन्म हुए हैं। बोले पितामह ब्रह्मा जी जब ब्रह्म स्तुति करते हैं, ब्रह्म स्तुति का जो पहला श्लोक है बोले नव मिड्यते अभ्र बपुषे तड़िताम्बराय गुंजाब तंस परिपीच लसत मुखाय, ये पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं ये कृष्ण कौन है, बोले ये पशुपांग जाय, बोले पशु का मतलब कहते जो गैया, बोले गैया को जो चराने वाले कौन हैं श्री नंद बाबा, कहते गैया को चराने वाले नंद बाबा, कहते उनकी अंग से जो जन्म हुए हैं कौन, ये श्री कृष्णचंद्र हैं। यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं ये बात को कहते हैं, बोले गर्गाचार्य जब ब्रज में कृष्ण का नामकरण करने के लिए आए, ये गर्गाचार्य था त्रिकाल दृष्टा, ये गर्गाचार्य स्वयं कहते हैं बोले प्राग अयम वसुदेवस्य क्वचित जात तबात्मज, बोले हे नंद बाबा ये जो कृष्ण है ना तबात्मज ये तुम्हारे ही बेटा है, लेकिन ये कभी उसने वसुदेव का भी कभी लाला बन करके आए हैं, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव भी होगा। जब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते जब कृष्ण का जन्म उत्सव का वर्णना करते हैं उसका जो पहला श्लोक है कहते नंदस्तु आत्मद जाता लाद महामना, कहते ये कृष्ण कौन है, बोले नंदस्तु आत्मज ये नंद बाबा का अपना बेटा। इसलिए भागवत में इतने श्लोक है कृष्ण गोकुल में जन्म लेने का। इसलिए मैया यशोदा ने केवल एक कृष्ण जन्म नहीं दिया, उन्होंने जोग माया को भी जन्म दिया है। इसलिए भागवत में बताए विष्णु और अनुजा, ये विष्णु मतलब कृष्ण, इनकी अनु मतलब पीछे जो जन्म लिया, ये कौन है विष्णु और अनुजा। इसलिए शंकर जी कहते ये रुद्र जामल की श्लोक है, ये शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले शंकर जी क्या कहते हैं,
बोले जसोदा आनंद पत्नी च सुसुवाते समम तदा। शंकर जी कहते पार्वती मैंने अपना आंखों से देखा है। बोले क्या देखे हो? बोले ये जो मैया जसोदा ने दो संतान जन्म दिए, पहले तो उन्होंने कृष्ण को जन्म दिए, उसको बाद में उन्होंने जोग माया को जन्म दिए। शंकर स्वयं ये बात को पार्वती को कहते हैं, इसलिए पुराण में इतने श्लोक है, कृष्णा गोकुल में जन्म लेने का इतना श्लोक है। इसलिए कवि कर्णपुर कहते ये आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में कृष्ण की बड़े सुंदर जन्म उत्सव की वर्णना करते हैं। कहते श्री श्री परजन बाबा के पांच संतान थे, उपानंद सुनंद नंद अभिनंद और नंदन। जब उन्होंने नंद बाबा को राज्याभिषेक कर दिया, राज्याभिषेक करने पर चार ही बच्चों को था संतान है, लेकिन केवल नंद बाबा के घर में कोई संतान है नहीं। इसलिए नंद बाबा बड़ी चिंता करते हैं, घर में लाला नहीं, देश को कौन रक्षा करेगा। इतने में उन्होंने एक एकादशी, जो एकादशी का नाम था पुत्रदा एकादशी, मतलब जो एकादशी व्रत करने से घर में पुत्र जन्म लेता है, इसलिए उन्होंने ये पुत्रदा एकादशी को जब उन्होंने दोनों ने पालन की, ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने स्वप्न देखा। बोले क्या स्वप्न देखा? बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तबांक स्थले पयोधार स्फुट मसो क्रीडांग मयाम लोक्यते। ये ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न, उनको आंख टूट गई, खुल गई। नंद बाबा जसोदा को कहते हैं, बोले जसोदे मैंने एक सुंदर स्वप्न देखा है। बोले क्या स्वप्न देखा? बोले मैंने देखा तेरे गोद में एक श्याम सलोन सा बड़ा सुंदर एक बालक तुम्हारी गोद में पौड़ रहा है, और तुम्हारी स्तन पान करते समय उसको दोनों धार से दूध झर रहा था, वो कुर्ता भीग रहा था। मैया बोली मैं भी स्वप्न देखा। बोले क्या स्वप्न देखा? बोले मेरा देखा मेरे पीछे पीछे एक सुंदर बालक माँ 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 करते करते पीछे पीछे आ रहे, और कपड़ा खींच करके बोले मैया मेरे को दूध पिला दे, दूध पिला दे। और उसी रात को ही मैया जसोदा गर्भ धारण की, और संपूर्ण ब्रज में हल्ला हो गया, नंद के लाला होने वालों है। बोले श्री नंद के लाला की। सचमुच से मैया जसोदा ने यहीं पर उन्होंने कृष्ण को उन्हें जन्म दिया, और कृष्ण के जन्म देने पर नंद बाबा ने पूरा ब्रज मंडल को नौता दिया, मेरे घर में लाला भयो है, सबके सब बधाई देने के लिए आओ। और जितने ब्रजवासी थे दूध दही मक्खन लेकर के मैया जसोदा और नंद बाबा को बधाई देने के लिए आए। मैंने बोलूँगा मैया जसोदा नंद बाबा बधाई हो, आप लोग जोर से बोलना बधाई हो, बधाई हो, ए बधाई। इसलिए बोले मैया जसोदा बधाई हो। अभी ब्रजवासी बोले बधाई हो, बधाई हो। मैया बोली तुम लोगों का आशीर्वाद से ये बूढ़ी उम्र में भी मेरे को लाला को मुख दर्शन करने को मिलो है। ये लाला मेरो नहीं, ये लाला तुम लोगों को लाला है। इसलिए सारे ब्रजवासी यहाँ पर एकत्रित हो गए, और बड़े धूमधाम से यहाँ पर नंद महोत्सव हुई, और वहाँ पर स्वयं शंकर भी आए थे, माता पार्वती भी, और वहाँ पर स्वयं स्वर्ग से कुबेर भी नंद महोत्सव में ये सब के सब आए थे। है कहते श्री नंद बाबा तो 20 लाख गैया दान दिया, शंकर तो चक्कर में पड़ गए, हो ना हो मेरे नंदी को भी दान में चले नहीं जाए, इसलिए उन्होंने पूछ को पकड़ कर खड़े हो गए। इतने में पार्वती भी आई थी, उनको दो बेटे हैं, एक गणेश और एक कार्तिक है। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। अभी उन्होंने सबके सब बधाई दे रहे थे। इतने में श्री वृषभानु महाराज जब आए ना, तब ये नंद महोत्सव प्रारंभ हुआ। बोले इतने दूध दही लाए थे, पूरा के पूरा ब्रह्मा ये नंद बाबा का आंगन पूरा भर गया था, और श्री नंद बाबा को ला करके बीच में खड़े करके सारे ब्रजवासी जीव श्याम लाला, जीव श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जीव श्याम लाला जीव पीली तेरी पगड़ी रंग काला, गोकुल में आयो नंद लाला।
পাণ্ডা আছে না, আমাদের যে পাণ্ডা আছে কিছু বললো পয়সা দিয়ে দেন, আমার যে পাণ্ডা হরে কৃষ্ণ, ই আমারে পাণ্ডাজি হে, আপ লোক সব কিছু না কিছু নিয়ম হে, গোকুল মে আকর কে পাণ্ডব কিছু দেনি চাই, নই তো পরিক্রমা পুরি নই হতা হে, নিয়ম হলো ধামে এসে কিছু না কিছু পাণ্ডা কে দিতে হয়, নতুবা পরিক্রমার ফল পাওয়া যায় না, এই জন্য আপনারা সবাই কিছু কিছু এনাকে কিছু কিছু ভিক্ষা দিবেন। আপ যাও লে যাও, আপ কি করকে না লে যাও, ইয়ে ইয়ে যা রহে হ্যায় আপ লোগ কিছু।